हेलो बच्चों, हम इस वीडियो में कीचड़ का काव्य काका कालेलकर द्वारा लिखित पाठ का सार पढ़ेंगे। कीचड़ का काव्य एक विचारात्मक लेख है। इसमें उन्होंने कीचड़ जैसे घिनौने माने जाने वाली वस्तु में सौंदर्य देखा है। यह लेख परंपरा से हटकर होने के कारण मनोहारी बन पड़ा है। इसका सार इस प्रकार है। आज सुबह पूर्व दिशा में लाली नहीं थी, उत्तर दिशा में अवश्य लाली थी, परंतु धीरे धीरे वहाँ भी लालिमा की जगह श्वेत बादलों ने ले ली। इस प्रकार दिन का आरंभ हो गया। हम प्रायः आकाश, पृथ्वी और सरोवरों का तो वर्णन करते हैं, किंतु कीचड़ को गंदा कहकर छोड़ देते हैं। कोई कीचड़ को पसंद नहीं करता, परंतु तटस्थता में सोचे तो कीचड़ भी कम सुंदर नहीं है। हम पुस्तकों के गत्तों, दीवारों और गर्म कपड़ों के रंग कीचड़ जैसे ही पसंद करते हैं। कलाकार तथा फोटोग्राफर भी कीचड़ के रंग को वार्म टोन कहकर प्रसन्न हो जाते हैं। नदी किनारे जब कीचड़ सूख जाती है और गर्मी के कारण उसमें दरारें पड़ जाती है, तो वह बहुत सुंदर प्रतीत होने लगती है। उसके सूखे हुए टुकड़े खोपरे जैसे जान पड़ते हैं। उस पर चार नाखूनों वाले पैरों से चलते हुए बगुले बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं। कीचड़ के अधिक सूखने पर गाय, बैल, पाड़े, भैंस, भेड़, बकरी आदि उस पर चलने लगते हैं। कभी कभी मदमस्त मारे सिंह लड़ाकर युद्ध करते हैं, तो अनोखा दृश्य उपस्थित होता है। कीचड़ की अधिकता देखनी हो तो गंगा के किनारे, सिंधु किनारे या खंबा जाकर देखें। वहाँ माही नदी के सामने तो इतना गहरा कीचड़ है कि पूरे पहाड़ के पहाड़ उसमें डूब जाए। हमारा अन्न कीचड़ से पैदा होता है। कैसी अजीब बात है कि लोग पंकज को चाहते हैं किंतु पंख से घृणा करते हैं, कमल को चाहते हैं किंतु मल से घृणा करते हैं। यदि कवियों को यही बात कही जाए तो वे उल्टे तर्क देते हैं। वे कहते हैं वासुदेव की पूजा सभी करते हैं, किंतु वसुदेव की कोई नहीं करता। हीरे और मोती तो को सभी चाहते हैं, किंतु उनके स्तोत्र पत्थर और मातुश्री को कोई गले नहीं लगाता। लेखक ऐसे व्यक्तियों के साथ माता पच्ची नहीं करना चाहते। धन्यवाद बच्चों। हमारे अगले वीडियो में हम इस पाठ का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।